वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद हम क्रिकेट का ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि मैं ऑफिस आया हूँ आज और काफ़ी गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है। लेकिन हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा शेल्टर लगा हुआ है, मतलब वैसे मैं अभी दिखाऊंगा एक टिन से वो बना रखा है, मतलब थोड़ा सा कर्टन धूप के बचाव के लिए। लेकिन काफ़ी तेज़ धूप है, गर्मी बहुत तेज़ है आज दिल्ली में। लेकिन फिर भी खेलेंगे एक मैच, तो देखते हैं आज का मैच कैसा रहता है। टीम वगैरह बैठ चुकी, टॉस भी हो चुका है, तो हमारी बॉलिंग आई है फर्स्ट, तो लेट्स सी क्या बनता है आज के ब्लॉग में। और ये जो शेल्टर लगा हुआ है ऊपर, इसके से राहत मिल जाए तो हम लोग नीचे क्रिकेट खेल लेते हैं। और ये देख सकते हो बहुत तेज़ धूप और सीधा सूरज सर पे, माविश चेहरे कल आर सी बी को आगे का खुश है, कुछ कुछ लोग तो मुंबई के सपोर्टर है, तो खुश है मुंबई। तो किसका सपोर्टर है? पांच और तू? ये तो जीटी वाला है, ड्रीम 11 से पैसे आ जाए। ये जीटी वाला है, ये आर सी बी का थोड़ा बड़ा फैन। अरे तो किसको सपोर्ट कर रहा है आईपीएल में? आर सी बी को कर रहा था भाई, हार गई। यार ये देख जीटी वाला, ये जीटी है मुंबई। मुंबई को तो भीख में जीत दिया कल आरसीबी ने। अरे अरे रहने दे यार, भीख में जीत दिया कल, मुंबई को, मुंबई को, मुंबई को। अरे मुंबई को तो भीख में जीत मिली है ना अपने दम पे, अपने दम। ये मुंबई के फैन है, आधे तो उसके फैन इसीलिए क्योंकि पांच बार कप आ रखा है। रोहित शर्मा ने कल 50 मारा है। सबसे पहले कैप्टन किसने मारा है मुंबई की? मुंबई की सबसे पहले सचिन ने करी है, सबसे पहले सचिन के बाद उसने हरभजन ने करी है, एक बार हरभजन ने भी करी है और पोलार्ड ने भी करी है, ब्रावो ने भी करी है। ब्रावो ने और क्या, ब्रावो ने एक मैच खेल के करी है, हल्के में ले रहे हो। हार्दिक पांड्या ने करी है। और गाइस फाइनली आ चुके हैं बैट के, और हम करेंगे बैट। और ये नकली प्लेयर डालेंगे बॉल, पहली बॉल के लिए तैयार, फिर से बैट्समैन मार देंगे शॉट, बेहतरीन शॉट नीचे नीचे, सर लपेटा मार रहा है ग्राउंड में, रोक रहे। ओह माय गॉड, ये तो मार दी ग्राउंड के बाहर भाई साहब इन्होंने तो। बहुत ही बढ़िया, थोड़ी गपशप चल रही है ग्राउंड के शॉट के ऊपर, ऋषभ ने ग्राउंड के बाहर मार दी बॉल, डर गए बैकफील्डर। बॉल बिल्कुल चश्मे के पास के बाहर निकली थी। लड़ाई हो रही है यहाँ पे मैच में, कब देखेंगे? कह रहे मेरे को नहीं लगना, और ये छो चुके गर्मा गर्मी, गर्मा गर्मी हो गई यहाँ पे एक शॉट के बाद सीधा डाल देता, वो भी खड़े खड़े डाल ले। बट्टा नहीं मारेगा तो बट्टा नहीं मारेगा, हाथ घुमा के हाथ घुमा के डाले, बट्टा बॉलर वे निकल से, कोई बट्टा बॉलर बॉल नहीं कराया। दीपक खुद बट्टा डालता है, उसको क्या बोल रहे हो, वो खुद ही डालेगा, ये भी तो फैक्ट है। अच्छा हम दो ही करेंगे का? अरे वरुण भी तो है, बस भाई डाल जाती है अलग चीज, हाथ घुमा के डाल दो। क्या बोल रहे, मेरे से किसी की चोट नहीं लगनी इतना पता है, ना मेरी बॉलिंग से ना मेरे शॉट से। अभी कुछ विचार व्यक्त करना चाहोगे आप? फायदा नहीं है, 200 गज का प्लॉट है, कुछ कहने का मतलब है अभी गलत है, किसी 25 गज में खड़ा है। कहाँ से वहां से तार के लाए, चल के छत पे तार के ले लिया, कितनी बोलो भाई, 5-6 भाई। ऑन सीरियस नोट, लेकिन इसको समझाना पड़ेगा ऋषभ को, अरे आप थोड़ा स्लो खेलना चाहिए। सारे लोग बोलना भाई किसी की टीम से खेले, भाई मेरी टीम तेरी टीम कुछ नहीं होता। बोले दीपक ने यहाँ से मारी, ओए बोले याद है तेरे को, याद है ये दीपक ने, याद है यहाँ से मारी नीचे गाड़ी में लगी भप की आवाज, दीपक सबसे पहले नीचे जिस दिन बोलेगा उस दिन आ जाइए, फिर लड़ ली उससे 500 गाड़ी में घुसा दी, 800 अबे पिच को लंबा कर यार, 22 यार्ड करो, और कितनी यार्ड होगी मेरी पिच अप्रोक्सीमेटली 18 यार्ड के आसपास होगी, 4-5 कदम और पीछे चाहिए। अरे कल से क्रिकेट नहीं खेलते, तेज खेलना और तेज बॉलिंग कराना बंद कराओ फिर। क्यों भाई उससे पहले थोड़ा पास करना पड़ेगा, पास करनी है कम से कम, ये तो नहीं है कि किसी का लगने की और बाहर जा रही है, वो तो नहीं है, उसी में टिप टिप करना पड़ेगा जैसे पहले खेल से, उसमें मजा ही नहीं आएगा इनको। धूप में जाएंगे जाने भी नहीं पड़ेगा, ये खत्म करने को चाहिए दीपक, फील्डिंग टीम ने हार मान ली है। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ गाइस, और कुछ नया लेके आएंगे, नई लड़ाई लेके आएंगे,
क्रिकेट के अलावा कुछ नया बैडमिंटन दिखाएंगे हम आपको कल से डबल हेडर के साथ वो भी क्रिकेट हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। दीपक के अंदर हीन भावनाएं आ चुकी है। चेहरे आरसीबी बहुत बुरी तरीके से गला रही। सुमन गिल ने कुत्ता भर दिया उनका, सुअर भर दिया है हमारे मुंबई का। अरे कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन भरेगा उस दिन देखी जाएगी। अभी तो अभी आरसीबी का भर दिया है, दिखाने लायक नहीं छोड़ा भाई। ना तुम्हें आरसीबी पैसे दे रहे, मुंबई पैसे दे रही है, तुम्हें भी दे रही होगी, तभी तो तुम बोल रहे हो। तुमने क्यों बराबर वो कर रहे हो और ये आरसीबी के नाम पे बराबर डिबेट कर रहे हो? तुम मत करो चुपचाप सुन लो क्या। और ये आरसीबी के नाम पे व्यूज खा रहे हैं। तू कौन सी टीम का बकवास कर रहा है? तू कौन सी टीम का? अच्छा पहले उसको होगा ना गुजरात और उसका चेन्नई। अगर अगर चेन्नई जीत गई और इधर से मुंबई जीत गई मजा आओ। उसमें एक बात बता रहा हूँ, चांस मिल जाते ये फायदा ना, ये फायदा है। तभी तो रखा है नियम, ये जल्दी जल्दी क्वालिफाई करो। हाँ भाई दीपक क्या कहना चाहेगा तू? क्वालिफायर मैच कौन जीतेगा? प्रिडिक्शन लगा तू, कौन जीतेगा परसों कल वाले मैच? ऐसा थोड़ी ना मिल रहा है, वो कह रहा है प्रेडिक्शन का। गुजरात जीतेगी। अब पैसा मिल रहा है प्रेडिक्शन का? चेन्नई जीतेगी भाई 100। भैया पैसा मिल रहा है क्या प्रेडिक्शन का? चेन्नई गुजरात जी जाएंगे, गुजरात खेलेगा एलिमिनेटर उसके साथ मुंबई। लाइक है आगे आगे अपने आप को सत्यवादी बताने वाले। आगे ये आगे मौत का तमाशा देख रहे, आगे मेरी मौत का तमाशा देख रहे। और गाइस आज हमारी बॉल खो गई थी, इसके साथ का ब्लॉग खत्म है। मिलते हैं आपको कल नए डे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।